मेरे परिवारजनों, आज भारत एक नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां लेकर के आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इसका यश आपका है, आपके एक फैसले का है, आपके एक वोट का है। वो कांग्रेस जितने अपने 10 सालों में सिर्फ घोटाले किए, भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसको आपने 2014 में अपने वोट से बाहर किया। आज भारत के हर नौजवान को पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भारत के नौजवानों ने 10 वर्षों में लगभग 1 लाख नए स्टार्टअप बनाए हैं। मेड इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। डिजिटल इंडिया अभियान से जो सिस्टम भारत में बना है, वैसा सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। भारत ने चंद्रयान का कमाल करके दुनिया को चकित कर दिया है। भारत ने जितना भव्य G20 का आयोजन किया, वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने कोरोना का टीका बनाकर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए नैनो यूरिया बनाया है। एक बोरी यूरिया का काम सिर्फ एक बोतल नैनो यूरिया करेगी। कोई भी क्षेत्र लिए भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यही विश्वास मैं यहां राजस्थान के कोने कोने में भी देख रहा हूं। पूरा राजस्थान भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे राजस्थान को, उससे उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे।